सलाम पाकिस्तान दोस्तों, मैं हूं एसएस मलिक और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नामा। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर होता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ नामा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। कालीन 350 साल से जज्बात के अजहार का उम्दा और नफीस जरिया हैं। कालीन पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बुना जाता है। कालीन को शाही महल्लात में अहम मकाम हासिल है। कालीन को अमारत की निशानी भी समझा जाता है। हाथ से बुना 60,546 मीटर लंबा कालीन शेख जायद मस्जिद अबू जैबी के लिए ईरान में बनाया गया। ईरान हाथ से बुने कालीन के लिए सरफरिस्त है और पाकिस्तान हाथ से कालीन बनाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में कालीन बनाए जाने की 2 लाख से ज़ायद खड्डियाँ हैं, जिनमें 15,000 से ज़्यादा अफराद कारोबार से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान में बनने वाले 99% कालीन बरामद किए जाते हैं। पाकिस्तान सालाना 13 करोड़ डॉलर के कालीन बरामद करता है। पाकिस्तान कालीन की बरामद पर सहूलियत फराहम करके सालाना 1 अरब डॉलर ज़र मुबादला कमा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।